गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए कोई नया डिश लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने नए घर का सैर करवाने आई हूँ। ये देखिए मेरा नया घर है, जो कि मात्र 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और ये मेरा जो है गैरेज है, गाड़ी पार्क करने का। हमारे घर में जाने का दो एंट्रेंस है, ये फर्स्ट एंट्रेंस जो कि गैरेज से होकर जाता है, और ये हॉल में है ना, डाइनिंग स्पेस है, ये उसी में ये जाता है। और इस साइड में जो है ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का जो एरिया है वो 12x17 है ना, 12x17 है। अभी सारा काम पेंडिंग है, कारपेंटर का भी वर्क हो रहा है। और ये हॉल है जो कि 11x18 है। देखिए ये लंबा सा हॉल है, मात्र 1000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। और इस साइड में मेरा ये बाथरूम है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाथरूम का साइज आई थिंक 6x11 है। और ये छोटा सा किचन जो कि 8x11 है। देखिए अभी सारा काम जो है अभी हो रहा है, वर्क इज़ गोइंग ऑन, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। और जब ये सारा फिनिश हो जाएगा तो मैं एक वीडियो और शेयर आपके साथ करूँगी। देखिए बीच बीच में कहीं कहीं हाइलाइटर्स भी यूज़ किया हुआ है। सारा कुछ अभी काम हो रहा है, इसलिए चारों तरफ कचरा ही लग रहा है। ये हॉल है, हॉल से मेरा ये स्टेयर जो है अटैच्ड है ना। देखिए इस तरह से स्टेयर पे भी मैंने ग्रेनाइट लगवाया है, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर। बट यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म से होते हुए एक छोटा सा बालकनी भी है। देखिए ये छोटा सा बालकनी जो कि बाहर का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं एकदम, है ना। यहाँ पे चक्का वाला मैंने टाइल्स लगवाया है। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने 3 बेडरूम बनवाया है, एक बेडरूम ये साइड, और ये जो है पैसेज स्पेस है एंट्रेंस का। ये फर्स्ट बेडरूम है जिसका साइज़ 12x13 है। देखिए सारा काम अभी पेंडिंग में, इसे अटैच एक बालकनी है। देखिए वर्क इज़ गोइंग ऑन, सो चारों तरफ कचरा है ना। ये एक छोटा सा बालकनी इस रूम से अटैच, बेडरूम से अटैच है ना। बेडरूम का साइज़ 12x13 है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट इट्स ओके। अब इस रूम से निकलते, देखिए जो टाइल्स मैंने लगाए वो 3D टाइल्स है, थोड़ा सा लुक जो है 3D में आ जाता है। जिससे यहाँ पे हो गया एक फर्स्ट फ्लोर का ये बाथरूम है, अटैच्ड है ना। इसका जो टाइल्स है देखिए, मैंने इस तरह का टाइल्स मैंने लगवाया, ये कॉर्नर में छोटा सा बेसिन, और ये बाथरूम भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट इट्स ओके। और ये एक रूम जो कि 10x11 का रूम है, ये बच्चों का रूम है, दो बच्चों का रूम है। और एक उसी के बगल में एक दूसरा रूम है, उसका भी साइज थोड़ा इससे बड़ा है, 11x12 है वो, है ना। देखिए इस रूम में चलते हैं, देखिए ये जो है 11x12 इसका जो है, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में बना है, बट ये बहुत ही स्पेसियस लगता है। मैंने दो फ्लोर में जब इसे डिवाइड करके बनवाया है, देखिए ये यहाँ पर से बाहर का सीन जो बहुत ही हरा भरा दिखने को मिल रहा है, बट अभी बिल्डिंग्स का ये एरिया है जहाँ पे अभी बिल्डिंग्स बनेंगे, बालू वाले गिरा हुआ है ना। क्योंकि स्पेस कम होने के कारण मैंने ग्राउंड फ्लोर पे कोई बेडरूम नहीं डलवाया, सिर्फ ड्राइंग रूम एंड हॉल है। देखिए सारे वर्कर सभी लगे हुए हैं, फिनिशिंग का काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रहा है, क्योंकि मुझे गृह प्रवेश भी करवाना है। चारों तरफ एकदम सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। और ये जो टाइल्स मैंने यूज़ किया वो 3D टाइल्स है, मुझे अच्छा लगा। अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे, उस फ्लोर पे भी मैंने एक रूम बनवा रखा है ना। और यहाँ पे जो अभी देखिए ग्लास अभी लगा नहीं है, यहाँ पे लगना है। और ये प्लेटफॉर्म के पास भी मैंने वही टाइल्स लगवा दिया। अब देखिए एकदम जो सीढ़ी वगैरह इतना गंदा सा लग रहा है, सीमेंट बालू लकड़ी का वर्क सारा कुछ हो रहा है। देखिए सेकेंड फ्लोर पे जो छत है उस पर सीमेंट का पन्नी अभी हो रहा है, छोटा सा छत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एरिया भी तो ऐसा नहीं है ज़्यादा बड़ा। मगर उसी में जो रूम्स निकले हैं, हॉल्स निकले हैं, बहुत ही अच्छा, देखिए है ना। यहाँ ऊपर जो सीमेंटेड पन्नी हो रहा है। और यहाँ से एक रूम मैंने बनवाया, रूम का साइज़ अच्छा है, 13x14 ये रूम का साइज़ है। देखिए इस तरह से अभी तो पेंटिंग का भी वर्क नहीं हुआ है, पेंटिंग का वर्क जो है गृह प्रवेश के बाद मैं करवाऊंगी, है ना। और इससे भी एक अटैच्ड जो है एक बालकनी है, देखिए कितना एकदम ग्रीनरी एकदम सीन दिख रहा है। ये एरिया में भी बिल्डिंग्स बनने हैं, बट बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है,
और जब मौसम अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा इस बालकनी में लगता है, देखिए है ना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कम स्पेस में बना हुआ, मैंने जो फ्लोर वाइज जो दो फ्लोर में से डिवाइड करके बेडरूम और ड्राइंग रूम बनवाया है, उसे बहुत ही स्पेसियस लगता है, कम जगह में अच्छा सा लुक है इसका। तो फ्रेंड्स आपको मेरे नए घर का जो है वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे ज़रूर बताएं, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपने घर का जो है शेयर करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दें मेरे चैनल को। ओके देन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।